तो ये रज़ा भाई का पेज है और ये नीचे से आए हुए हैं, और ये बादशाह ब्रदर की तरफ से लड़ाते हैं। और अभी इनके पास तीन चार पर्चे आए हैं, इससे पहले वाला पेज ऊपर से इनकी टीम मेंबर ने बहुत बढ़िया डबल का पेज बना के लड़ाया था। और पतंगे देखिए खड़ी कितनी यहाँ पर, इधर ये खड़ी टीम, उधर ही टीम खड़ी हुई, देखिए मैदान बहुत शानदार है। ये अपोनेंट इनकी खड़ी रही और इनकी टीम ये रहा। तो ये देखिए रजा भाई पेज लड़ा रहे हैं और इनका ही नीचे से पेज है, सही सही लेते हुए। ऊपर वाला इनके हाथ की तरफ लेकर आया हुआ मुद्दा रख दिया, इन्हें भी खेल ली पतंग। बहुत बढ़िया पतंग काटी देखिए, बहुत बढ़िया पतंग काटी। तो दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे, और आज मैं आपको जो बरेली के मैदान है उसका गेम दिखाऊंगा। यहाँ पर करीब तीन चार नहीं बल्कि 7-8 टीमें गेम लड़ा रही हैं डब्बर के मैदान में। मैदान बहुत शानदार है, कभी भी आपको जैसे बरेली आना हो तो आप इस मैदान में ज़रूर लड़ाइएगा, ये मैदान बहुत बढ़िया है जैसा कि आप पीछे देखते होंगे। तो गाइस आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो जल्दी से मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए ये लड़ा है पेज, और लेफ्ट साइड से बंदा नीचे से आया हुआ है और ऊपर भी पेज लड़ा है, देखिए मैदान बहुत शानदार है ये देखिए, बहुत टीमें खड़ी हुई लड़ा रही हैं। ये देखिए पेज लड़ रहा है, उसने मुड्डा पटक के बचा लिया, नीचे वाले ने ऊपर वाले ने गद्दा रखा था तो उसने बचा लिया गद्दा, बहुत नीचे करके लड़ा रहा है पेज, बहुत बढ़िया अंदर का पतंग खींच के बहुत बढ़िया शानदार पतंग काटी है। ये देखिए यहाँ पर लड़ रहा है और आगे भी छोटी छोटी पतंग देखिए, ये आगे भी लड़ रहे हैं पेज, इधर लड़ रहे हैं, टीमें बहुत खड़ी हुई हैं यहाँ पर। जैसे फतेहगंज का मैदान है ठीक वैसे ही मैदान समझिए, फतेहगंज का तो मैदान ही बिल्कुल अलग है, 20 टीमें आराम से वहाँ पर लड़ा लेती हैं। तो ये देखिए ये पेज आ गया है, और ये जो बादशाह ब्रदर्स हैं ऊपर से आए हुए हैं। पतंग ऊपर वाले की लग रहा है कुछ राउंड पतंग है, बहुत ऊपर चढ़ा के पे लड़ा रहा है ऊपर नीचे वाला। थोड़ा दिक्कत यहाँ पर, दिक्कत वाली बात भी है क्योंकि यहाँ देखिए पेज लड़ रहा है तो अगर जो राइट साइड से बंदा आया है नीचे से वो लेफ्ट साइड में घुसता है तो वो इधर जो ये पेज लड़ रहा है इनके बीचों में भी पतंग आ रही है इनकी। बहुत बढ़िया गद्दा रख दिया है, बहुत शानदार पतंग काटी है, पतंग रोकी ही नहीं बिल्कुल भी, डायगनल मारा बाहर निकलते हुआ रोकी ही नहीं बिल्कुल पतंग, पतंग अगर रोक लेता तो कट जाती क्योंकि नीचे वाला थक भी चला रहा था। तो ये देखिए इधर ये पेज लड़ रहे हैं भाई, बहुत नीचे नीचे करके पेज लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड से बंदा नीचे से आ रहा है लड़ाने के लिए पेज, ये पतंग ख़राब थी देखिए, रुक नहीं रही, टिक नहीं पा रही पतंग। मैदान बहुत शानदार है यहाँ का, ये देखिए पीछे लड़ रहे पेजे, मैदान के अंदर ही लड़ा लीजिए पेजे आप लंबे लंबे। ये गाड़ी पतंग है, ये रखा देगी गद्दा रखा रख दिया गद्दा, बचा लिया पेड़ों के नीचे बिल्कुल पतंग ले जाके, और काट दी बहुत जल्दी इसने पतंग ऊपर खींच ली, बहुत बढ़िया पतंग काटी है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे पतंगें लूटते हुए,
इसने पतंग पकड़ ली वाली। ये छोटे छोटे जो बच्चे पतंगे पकड़ते हैं, ये क्या करते हैं, मंजा तोड़ देते हैं, पतंग रख लेते हैं, बस वेस्ट कर देते हैं बिल्कुल मंजा, समझ लिए। तो ये देखिए पेज आ गया इधर वालों का, जो बिल्कुल कॉर्नर में टीम लड़ा रही है राइट साइड में, बादशाह ब्रदर वो नीचे से आए हुए हैं। ये सामने देखिए मंजा मंजा जो अड्डे हैं मंजों के सामने ही है बिल्कुल। ये पेज पता नहीं कैसा लड़ा रहा है, ऊपर वाला मौका ही नहीं दे रहा आने का नीचे से। ऊपर वाला दो हाथ रख के अंदर आ ही नहीं रहा है, नीचे वाला बहुत अंदर चला गया है। सोहेल ने आदि ये पेज लड़ा रहे हैं नीचे से। ये सारा का सारा इधर जो काट दी, कट गया सोहेल ने आदि, जो ये सारा का सारा एरिया है ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर सब मंजा ही लगता है। ये वाइट वाइट सा, अगर आपको देखिए वाइट वाइट सा दिखता हुआ यहाँ पर ये मंजा लगा हुआ है, और ये शायद सामने लच्छी वाला मंजा लगा हुआ है। ये आ गया पेज देखिए, यहाँ भी लेफ्ट साइड से बंदा नीचे से आ रहा है, इसने अभी एक पतंग काट दी थी, बहुत बड़ी अंदर चढ़ा के लेके अंदर लेके आ गया, बहुत बहुत बाहर निकलते हुए ले गया, बहुत शानदार पतंग काटी है। ये देखिए पेज आ गया, बादशाह वाले फिर से ऊपर से आए हुए हैं, पतंग कट गई थी इनकी अभी, और ये बराबर में ही पेज लड़ रहा है। एक साथ दो दो पेज देख लिया आप, ऊपर वाले ने मुद्दा बना दिया, वह बाहर निकलती अंदर निकलता हूँ, मतलब उसका ये कर्व चला गया था, तो गद्दा उसका सही से पढ़ नहीं पाया, इस चक्कर में पतंग कट गई इसकी। ये छोटे बच्चे ने पतंग पकड़ ली है, देखिए ये छोटा बच्चा इसने पतंग पकड़ ली है। ये पीछे ही पे लड़ा देखिए, लेफ्ट राइट से बंदा नीचे से आया हुआ है। ले गया ऊपर खींचते हुए पतंग, बहुत बहुत ये गलती कर दी इसने, सीधे मुड्डा रख दिया, ये थोड़ा अंदर का मुड्डा रखता ना तो चांसेस थे इसके पतंग काटने के, इसने सीधा ही मुड्डा मार दिया बिल्कुल, तो आराम से पतंग कट ही जाएगा। ये इधर वालों को पे जाके देखिए, ये लड़ रहा देखिए पे, ऊपर वाले ने मना लिया मुंडा तो बचा लिया। अब एक साथ दो दो पेज, जो सब पेज आपको समझ आ रहे हैं वो देख लिए। इधर वालों को भी आ गया पेज देखिए, नीचे वाला अंदर बहुत ले आया पतंग, ऊपर वाला भी पीछा करते हुए ले कह रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप काट दिया देखिए पतंग। उस टाइम जो ये पतंग कटी नहीं ली, वो थोड़ा कर्व भी ये चला गया था, अगर उसका सीधा चलता चला जाता तो पतंग काट देता। ये देखिए आ गया, ये पतंग थोड़ी अच्छी लग रही है, थोड़ा गोल पतंग है, कैमरे में आ नहीं रही है। तो ये नीचे वाला पता नहीं क्या कर रहा है, अभी क्या वो बीच में जो ये आप सामने पतंग देख रहे हैं याली, तो ये पतंग थोड़ी अंदर की बता रहे थे, जो अपोनेंट है तो उसने क्या करा कि अंदर का मतलब पतंग खींच के दिखाई अंदर की, तो ये पतंग तो उसकी सही दिख रही है अभी भी, सीधी आ रही है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जो भी पुराने पतंगबाज हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो अपोनेंट था उसने सीधी पतंग खींचने के बजाय उसने पतंग ये खींच के लेके गया, क्या ऐसा होता है,
आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर उसकी सच्ची पतंग है तो वो सीधी ही खींच के दिखाएगा ना, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि ऐसा क्या होता है, आप पतंग थोड़ी इसके अंदर आएगी। हाँ मगर मतलब ये बंदा मान नहीं रहा था कि पतंग इसकी अंदर की अंदर की, तो उसने ये पतंग बाहर के चक्कर लेके ये पतंग खींच के दिखाई थी तो पतंग अंदर आ गई थी, फिर इसने ये लिया अंदर का चक्कर लेके थोड़ी अंदर खींच के दिखाई तो इसकी पतंग आ गई। तो थोड़ा आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, इसके चक्कर में कम से कम 15-20 मिनट बर्बाद कर दिए गए। सामने वाला मंदा मान ही नहीं रहा था कि पतंग इसके अंदर की अंदर की अंदर की है। ये देखिए पतंग इधर बढ़ के आ गई पीछे से, और मौसम बहुत बढ़िया हो गया है यहाँ पर। ये लड़ता हुआ देखिए पे, और राइट साइड से बंदा नीचे जा रहा है। बहुत बढ़िया शानदार डबल का बना रहता है, पंख कट गया और हवा गिर गई। जहाँ देखी दूर दूर तक बस पतंगे ही पतंगे नज़र आ रही हैं, यहाँ पर हर तरफ पतंगबाजी हो रही है। यहाँ पर आगे भी टीमें लड़ रही हैं, इधर भी टीमें लड़ रही हैं, उधर जाके ये इधर पुल मतलब भट्टा है यहाँ पर इधर की साइड में, इधर भी टीमें लड़ रही हैं, और ये तो है ही मैदान यहाँ पर। तो अभी ये जो पतंग अंदर की थी वो पतंग अब दूसरी पतंग लेके आ रहा है मंगूठा। सही हो गया पेज। ऊपर वाला अंदर हाथ पे लेके जाता वो पतंग, मतलब सही जगह पे जो होता है गद्दा मारने का बिल्कुल वो जगह बना के मर रहा है बीच में से बिल्कुल। अब थोड़ा मुंह पे से बहुत बढ़िया खेत दी, बहुत बढ़िया पतंग, बेवकूफ़ी कर दी ऊपर वाले ने। अच्छा खासा बीच में से बना रहा था गंदा मारने की जगह, इसने चेहरा कटवा दिया अपना। तो ये इधर एक दूसरा जो भी गेम लड़ रहा है आगे लेफ्ट साइड में उनका ये पेज आ गया है, और ऊपर वाला मतलब जो नीचे वाला है उसकी पतंग कट चुकी थी, ऊपर वाले ने फिर से मौका दिया ऐसे नीचे से आने का। मोस्टली तो वैसे जो पतंग काटता है वो नीचे से ही लड़ाने की सोचता है, मगर थोड़ा जगह का भी हिसाब किताब होता है, तो उसकी शायद जगह नहीं बन रही है ऊपर वाले की, तो वो थोड़ा मतलब ऊपर से ही भी लड़ा रहा है। बढ़िया मुंह पे पकड़ के लेके चल रहा है ऊपर वाला, मुंह छोड़ ही नहीं रहा इसने। देखिए कितने नीचे पतंग आ गए, बचा ली पतंग। इधर वालों को पेज देखते हैं, ये आ गया जो मंगूठा ने अंदर पतंग खींच के काटी थी, चेहरा काटा था जो। सही हो गया पेज। मुंह पकड़ के लेके चल रहा है जो चेहरा, फिर से अंदर की खींच दी, बहुत बढ़िया इस बार काट गया, ऊपर वाले ने रोके ही नहीं खींच। पतंग थोड़ी ठस चल रही इसकी ऊपर वाले की, मगर इसने दो खींच नहीं रोकी अपनी, बहुत बढ़िया पतंग ले गया खींच के, एक ही मुड्डे पे लेते चला गया इसने। ये नहीं कि डोर सीधी करी इधर उधर, उसी मुड्डे पे लेके चला गया खेत। तो ये आ गया था कि इधर वालों का पेज आ गया है, ऊपर वाला इसका चेहरा पकड़ के चल रहा है, कन्ने जैसे कहते हैं कन्ने पकड़ के चलने की कोशिश कर रहा है। मुँह भी पकड़ के चल रहा है, उसकी पतंग भी ऊपर वाले ने निकाली नहीं, देखी कितनी कम में चेहरा पकड़ने की कोशिश कर रहा थी। ले गया ऊपर और नीचे वाला अंदर भर के ले गया, बहुत बढ़िया, और नीचे ले के आया, ले जा खींच के, हाथ काट दी पतंग। देखिए नीचे वाले ने इस बार पतंग काट दी, चिराव कम लग रहा था तो डोर बहुत देर में आके कटी है। ये देखिए इधर वालों का ये पेज आ गया, ऊपर वाले ने फिर मुंह बनाया था, बच गया। पेच फांस दिया है,
नीचे वाले का मुंह पकड़ के चलने चला चाह रहा था ऊपर वाला, मगर पतंग बचा ली नीचे वाले ने। बहुत बढ़िया कट गया, ये तो बेवकूफ़ी हुई, डबल का एक तरह से पेच बनाए। अगर ये पेच बनता है ना तो ऊपर वाला काटता ही काटता है। जैसे अब ये समझ लीजिए ऊपर वाला इधर पीछे करके लेके आ रहा था और नीचे वाले ने ये लेके आया, तो ऊपर वाले ने क्या करा, ये लेके ये चीज़ें खींच ली पतंग, तो आराम से पतंग कट ही जाएगी। तो गाइस आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसे लगी। और एक जो मैंने चीज़ पूछी थी बीच की वीडियो के बीच में कि पतंग खींच के कैसे दिखानी चाहिए, जो सच्ची पतंग होगी उसको कैसे खींचा जाता है, तो जो भी ये पतंग मतलब वीडियो देख रहे हैं पुराने जानकार लोग, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि खींच कैसी मारनी चाहिए, सीधी खींच होनी चाहिए या अंदर का बाहर का दिखाना चाहिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसे पसंद मतलब वीडियो कैसी लगी आपको, तो आपको वो भी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।